देश की सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ राजनीतिक राजधानी काशी में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। शानदार तरीके से वाराणसी में स्वागत हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अजय जी, पहला रिएक्शन आपने आते ही स्पष्ट कर दिया कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे, 10 सालों की जो इनकी नीति रही है उसके खिलाफ आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे जरा जी? नहीं देखिए, सबका साथ है हमारे साथ, हमारे पूरी समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, कम्युनिस्ट के लोग साथ हैं, इंडिया गठबंधन का पूरा ब्लॉक हमारे साथ खड़ा है, हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिला से लेकर शहर से सभी लोग खड़े हैं, ब्लॉक से खड़े हैं। और निश्चित तौर से यहाँ से जो एक इन्होंने जो बनारस के लोगों को भ्रम डाला, रोजगार देंगे, काम देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार के नाम पर काम क्या दिया, टोटो दे दिया और फोटो खिंचवाओ, टोटो पर बैठो, यही काम दिया। आप देख लो, एक DLW में आगे गेस्ट हाउस में रहते हैं, एक DLW का जैसा कारखाना बनाया हो तो बता दो मुझे। अभी यहाँ पर अमूल की फैक्ट्री चालू हुई है, अभी वो मैं लाया था 2016 में, और वहाँ पर भी सब गुजरात के लोगों को ला के रखा जा रहा है। वहाँ पे कोई भी लोकल वैकेंसी बनारस का अगर एक आदमी परमानेंट वहाँ हुआ तो मुझे बता देना, वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को केवल और केवल वहाँ गार्डन में माली का काम मिल रहा है 245 रुपये पे रोज पे रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग पर, और गुजरात के लोगों को अंदर रखा जा रहा है। ये आप कहोगे कि बनारस में आप 10 लाख कोट पाओगे, 80 में 80 पाओगे, अभी जनता इसका जवाब देगी आने वाले समय में। घबराओ मत, क्यों? क्योंकि आपने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और बनारस की जाम की समस्या को दूर करेंगे। हजारों करोड़ रुपये आपने दिया, आज भी सीवर में पानी सड़क पर बह रहा है, आज भी सड़कें धस रही हैं। अभी आप देखो इनका बंदरगाह आज तक नहीं चला, एक भी जहाज गई क्या बंदरगाह में? आप देख सकते हो, खाली 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया आपने। अभी आप देख सकते हो TFC सेंटर लालपुर में बंद पड़ा है, वहाँ केवल और केवल कबूतर घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये करोड़ों रुपये अभी आपने, आप इनका देखो, यहीं पर नगर निगम में रुद्राक्ष सेंटर बनाया है, 6 लाख रुपये लेते हैं। अब बनारस के गरीब जनता 6 लाख रुपये देगी? 6 लाख में तो अपनी बिटिया की शादी करेगी, अपना परिवार चलाएगी। यह केवल और केवल मुद्दों को उठाते रहे हैं अजय जी, इसमें कोई शक नहीं, 3 दशक की राजनीति का अनुभव रहा है, विधायक भी आप रहे हैं, खुद उनके कैबिनेट मंत्री ने आपको सीधे चुनौती दी है और कहा है कि अगर वो सभासद से भी ज्यादा वोट पा जाए तो कहना, उन्होंने सीधे कैबिनेट मंत्री ने कौन कैबिनेट? अनिल राजभर जी ने सीधे कहा। अरे यार, अब जाने दो, अनिल राजभर के बारे में हम क्या बोले, हम उनके पिताजी से लेके सारे लोग समाजवादी पार्टी के रहे हैं, दादा सबको जानते हैं। अब ये वक्त बताएगा, इसका मतलब देखो फ्रस्ट्रेशन, सभासद कितना उठ पाता है यार, 3,000-4,000, इसका मतलब घबराहट देख लो, घबराहट है। जन समर्थन में कोई शक नहीं, आप सुनो, जितना सभासद उठ पाएगा उतने लोग आज थे कि नहीं थे? आप बताओ, आज हम जब चले हैं उतने लोग मेरे साथ, उससे ज़्यादा लोग तो मेरे साथ आज थे, और यहाँ कई सभासद तो कहीं खड़े होंगे, हमको लगता है कई आए होंगे। देखो, देखिए, एक सभासद पीछे खड़े हैं, कई सभासद यहाँ खड़े हैं, आप देख लो, और कई सभासद के उम्मीदवार 2,000 वोट पा के देखो खड़े हैं साथ में, सदन से लेके सारे लोग, कई लोग यहाँ खड़े हैं, तमाम ऐसे साथी खड़े हैं। अब ये इसका मतलब कि पूरी तरीके से हवा खराब हो चुकी है, अब इनका यहाँ से विदाई का समय है। बनारस का तो वो क्लियर हो गया, अब अमेठी रायबरेली का भी क्लियर कर दीजिए, क्या कुछ खुद रायबरेली भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, और अमेठी रायबरेली में भी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का जो है जो उनको जवाब मिलने जा रहा है, और बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा। 13 रुपये किलो चीनी जो बोला था स्मृति ईरानी ने, 13 रुपये किलो चीनी का जवाब वहाँ की जनता देगी। व्हाई नॉट के अलावा अमेठी से भी लड़ सकते हैं राहुल गांधी? क्यों, मोदी जी नहीं लड़े थे क्या? लड़ सकते हैं? नहीं, मोदी जी भी तो बनारस बड़ौदा लड़े थे, मोदी जी लड़े थे कि नहीं लड़े थे बताइए, सब लोग लड़े थे ना, तो दो जगह से लड़ना कोई गुनाह हो रही है यार। जी, एक बात आप अभी चर्चा कर रहे थे, एक अंतिम सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से भी आप विधायक रहे हैं, क्या कुछ वजह रही है उस वजह, क्योंकि आज देश भी जानना चाहता है, एक समय आपने योगदान, अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सबको लेकर चलते थे, उनका जो व्यक्तित्व था, एक वटवृक्ष था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी भाजपा में, आज तानाशाही, हिटलर शाही, और पूरी तरीके से यहाँ 2G लोगों की यहाँ पूरी भाजपा चल रही है, भाजपा में जो भी है वो घुटन महसूस कर रहा है, वहाँ पर उसका दम घुट रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय। ABP लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।